बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। ये भी इन पे टाइटल नहीं है, दैट मींस कि ये नए हैं तो नहीं है, लेकिन इसका टाइटल नहीं दिया गया। चले गुज़श्ता से प्रविस्ता कर लेते हैं, पता चले कल का। हाँ, कल से स्टार्ट किया इन्होंने क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि एक भैंस है मेरे पास, बहुत बहुत कमजोर है, भैंस कमज़ोर खाती है। पीती भी नहीं ठीक से। जब कोई मसाला वगैरह आते हैं तो चोकर डाल के थोड़ा बहुत चारा खा लेती है, और उसको लूज मोशन है, बहुत पतला करती है, पानी पानी जो की है ना तरह। वो करती है, पानी की तरह होता है उसका गोबर बिल्कुल। तो उसका क्या नुकसान? मैं कसम, मेरा नाम है, सियालकोट से बात कर रहा हूँ, सियालकोट से। अच्छा, कोई देसी इलाज बताएं, साथ में कोई इंजेक्शन वगैरह वो ये भी भी बता बताए। दें, ठीक क्या है, मसला उसको, तो इसको सैर मैंने पाट उनको का दिया या ऑलरेडी, हॉस्पिटल वो दिया मैंने। बहरहाल ये, हाँ, इनसे मैंने अस्सलाम पूछा कि वालेकुम डॉक्टर हमला तो साहब। नहीं नहीं, है, भूख भी नहीं आती, बुलबुले भी नहीं बनते, सिर्फ पानी ना पानी की तरह करती की तरह। है ठीक गड़बड़ है, पतला बिल्कुल। तो हाँ, हाँ, हमला भी नहीं है, कोई 3 4 महीने हुए सुई को। अच्छा, 3 4 महीने हुई है सुई को। मेरा बेटा, इस तरह करें कि इसको पहले तो एट्रोपीन सल्फेट, या ये एट्रोस्टार के नाम से मिलेगा, इस ये आपने एक इंजेक्शन ले लेना है, 25 cc का इसको लगा दें, एट्रोस्टार का। इसके बाद आप इसको एनरोफ्लॉक्सासीन के इंजेक्शन 25 cc का आज लगा दें, और 25 cc का ही कल लगाना है एनरोफ्लॉक्सासीन। इसके अलावा आपने 6 साशे ले आए डायरोवान के, और 1 लीटर पानी में 6 साशे डाल लें, और इतने ही बराबर मिकदार में ही ORS ला ले आए, ORS या नमकोल, ये भी डाल के ये इसको नल के जरिए या ड्रेंचिंग गन के जरिए पिला दें। ये डायरोवान और ORS जो नमकोल है, ये कल फिर इसी तरह 6 साशे डायरोवान के और 4 साशे या 6 साशे ही ले लेने हैं ORS के, ये मिला के कल भी पिला देना है। एट्रोपीन सल्फेट जो पहले मैंने बताया, एट्रोपीन सल्फेट जो एट्रो स्टार के नाम पे भी आता है, एट्रोपीन सल्फेट कहेंगे ना तो आराम से मिल जाएगा। वो टीका 1 दिन लगाना है, और बाकी जो है 2 दिन, दो दो दिन ये एनरोफ्लॉक्सासीन आज भी और कल 2 दिन लगाना है, और ये डायरोबान भी 2 दिन पिलाना है, और इंशाल्लाह ताला डायरोबान ORS, इंशाल्लाह ताला ये मोक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फिर आपने मुझे बताना जरूर है कि ठीक हो गई है। ठीक है, दुआ भी करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी इस परेशानी को दूर करे और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीर।